हेलो दोस्तों, तो मैं अपनी वीडियो की दूसरी पार्ट में मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, और ये है मेरा सीसी क्लासेस, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और इसके साथ जुड़े रहिए। ठीक है, तो चलिए तो हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने एक दूसरा पार्ट स्टार्ट कर अपलोड कर दिया है, और ये है पार्ट थ्री। ठीक है, ये है मेरा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में मैंने जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूं। पहला वर्ड है मेरा पुट आउट। पुट आउट को मैंने डिस्क्राइब किया था, आप पीछे की वीडियो को आप पलट के देख सकते हैं। पुट आउट, पुट आउट में क्या हम कहना चाह रहे थे कि पुट मतलब पुत्र और आउट मतलब बाहर। यानी मेरा पुत्र बहुत बहादुर था और वो बाहर जाकर आग बुझाकर बाहर चला गया। ठीक है, ऐसे था इसका मतलब। आप जस्ट इसका पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। तो पुट आउट द फायर मतलब आग बुझा दो। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम अपना नेक्स्ट वर्ड यहां से स्टार्ट करते हैं, पुट थ्रू। पुट को मैंने क्या बोला था, पुत्र से। देखिए दोस्तों, इसकी पीछे वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, उसमें पुट से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब मैंने डिस्कस कर दिए। मेरा नेक्स्ट वर्ड है थ्रू। थ्रू मतलब इसको कैसे याद रखेंगे, थ्रू आउट से। थ्रू आउट का मतलब क्या होता है, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक। थ्रू आउट का मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक। देखिए पुट थ्रू का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, यानी किसी को मुसीबत में डालना। देखिए इसको कैसे याद रखोगे, गौर समझिए। जैसे आपका बेटा बहुत ही सीधा साधा भोला भाला है, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में गया तो फर्स्ट ईयर से लेकर के फोर्थ ईयर तक उसको सीनियर्स लोग, उसके फ्रेंड्स लोग उसको बहुत ही मुसीबत में डालते रहते थे। यानी फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक, तो उसको थ्रू आउट कहा जाता है, यानी शुरू से लेकर अंत तक। तो मेरे पुत्र को शुरू से लेकर अंत तक, थ्रू आउट मतलब शुरू से लेकर अंत तक मेरे पुत्र को कोई ना कोई मुसीबत में डालता रहता था। यानी किसी को मुसीबत में डालना, यानी मेरे पुत्र को ही मुसीबत में डाल दिया वो। यानी पुट थ्रू का मतलब किसी को मुसीबत में डालना, यानी टू मेक समवन एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लीजेंट, यानी मेरे पुत्र को शुरू से लेकर अंत तक। देखिए दोस्तों, ये जो अगर आप मेरा नया वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके जस्ट पहले मैंने जो फ्रेजल वर्ब का पार्ट नंबर टू जो डिस्कस किया वो देख लीजिए, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। फ्रेजल वर्ब मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। फ्रेजल वर्ब एक ऐसा सेक्शन है कि इस सेक्शन के बिना कोई भी एग्जामिनेशन का, किसी भी एग्जामिनेशन का मेंस क्रैक नहीं हो सकता अगर आपको फ्रेजल वर्ब नहीं आती है। तो सबसे बड़ी बात है क्लोज टेस्ट, ये हर किसी स्टूडेंट को फंसता है, और फंसने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको फ्रेजल वर्ब नहीं आती। अगर आती ना तो 50% क्वेश्चन तो आपको इसी से बनता। क्लियर, तो आई होप सो दोस्तों आपको ये सब सारी बातें पता होगी। मैं आपका समय बर्बाद ना करूंगा, ड्रिक मैं यहां स्टेटमेंट पे आता हूं। देखिए नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो पुल से रिलेटेड है। पुल का मतलब क्या होता है, खींचना। इसको हम यहां न्यूमेरिक्स का यूज करके हम यहां पुल को पुल से याद रखेंगे। पुल मतलब क्या, पुल ब्रिज वाला पुल, पुल समझ रहे ना, ब्रिज। तो पुल का रियल मीनिंग होता है खींचना, पर हम इसको आपको याद कराने के लिए कभी पुल यूज करेंगे, यानी ब्रिज का सेंस यूज करेंगे, या फिर कभी खींचने का सेंस यूज करेंगे। और आप देखिए दोस्तों, याद करने से मतलब है कि कैसे आपकी मेमोरी में रहे। ठीक है, इससे कहते हैं स्मार्ट वर्क। जो टॉपर्स लोग जो बोलते हैं कि हम 4 घंटा 5 घंटा पढ़ करके जल्दी से जल्दी जॉब क्रैक कर लिया, आखिर कैसे, वो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो स्मार्ट वर्क यही कहलाता है कि ना कि आप लेकर के 2 महीने तक सिर्फ फ्रेजल वर्ब रट रहे हैं। इस वीडियो को आप 2 बार देखिए, आपको सारे फ्रेजल वर्ब रट के मेमोरी में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पुल अवे, पुल अवे का मतलब बैक अवे, पीछे हट जाना। इसको याद कैसे करेंगे, पुल मतलब क्या होता है, खींचना, और अवे मतलब दूर। ठीक है, या फिर इस पुल को कैसे याद रखो, पुल से। पुल मतलब कौन सा पुल, ब्रिज वाला पुल।
मतलब समझ गए। अब आपको मैं फिल्मों का सीन बताता हूँ। कभी कभी आप फॉरेन कंट्री का जो फिल्म होगा ना उसमें आप देखोगे क्या कि ब्रिज को ना, जैसे अगर ये ब्रिज है इधर से लेकर इधर तक है, तो ब्रिज को बीच में से तोड़ करके ब्रिज को ऐसे उठा देते हैं, ठीक है, ऐसे करके ब्रिज को उठा देते हैं। फिल्मों में आप देखते होंगे। तो ब्रिज को क्या किया, यानी पुल को हम अवे कर दिए, दूर कर दिए, बीच में से बॉन्ड टूट गया ना, ब्रिज को क्या किया हम दूर कर दिए। दूर करेंगे तो क्या होगा, पीछे हट जाना पड़ेगा, यानी बैक अवे हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब ब्रिज पे तो हम जा रहे थे पर ब्रिज तो है जो टूट करके ऐसे उठा दिया उसको, ब्रिज को यानी पुल को क्या किया, खींच लिया, यानी पुल अवे, पुल को क्या कर दिया हमसे, दूर कर दिया, पुल को खींच लिया, दूर कर दिया। जब पुल को दूर कर देते हम तो आगे तो जा ही नहीं सकते, तो हमको क्या होगा, पीछे हट जाना पड़ेगा, पीछे लौटना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। सेम यहां भी देखिए, पुल बैक, पुल मतलब क्या, पुल बैक मतलब क्या, पीछे, यानी पुल बैक, मैंने पुल को क्या किया, पीछे खींच लिया, समझ रहे ना। जैसे मेरा पुल था, अभी पुल था ना, और ये पुल को बीच में से जो ब्रेक होता है ना, ये हमेशा जनरली फॉरेन कंट्री में ऐसा ब्रिज होता है, देखते होंगे ब्रिज ऐसे कनेक्टेड है, और ब्रिज क्या हो रहा है कि धीरे 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 करके ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहां जब ऐसे बन गया तो आदमी जो इधर से जा रहा था वो तो चढ़ नहीं पाएगा ना ऊपर, ऐसा थोड़ी है, ये तो ऐसा हो गया, तो बंदा वहीं से वापस लौट जाएगा, यानी पुल बैक। पुल को हम क्या किए, पीछे की ओर ले लिए, तो क्या होगा, टू मूव बैकवर्ड, अब आपको पीछे की ओर हट जाना पड़ेगा। डन। चलिए नेक्स्ट मेरा वर्ड मीनिंग है पुल इन। पुल इन का मतलब क्या होता है, टू रीच अ प्लेस। पुल इन का मतलब किसी स्थान पर पहुंचना। तो देखो कैसे आप करेंगे, पुल और इन मतलब मैं। कहानी आप खाली गौर से समझिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं ये फ्रेजल भरो आपको याद करा रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसको याद कैसे करा रहे हैं, एक डेमो दिखाते हैं। सेलिब्रियस का मतलब होता है हेल्दी। ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं मैंने इसका, आप सेलिब्रियस को हेल्दी यूज करोगे कितना दिन तक याद रख पाओगे, पर इसको परमानेंटली कैसे याद रखते हैं, देखिए ये सैलू, सैलू दिख रहा है, सैलू तो सल्लू दिख रहा है आपको, सल्लू सल्लू तो सल्लू भाई को तो आप अच्छे से जानते हो। सल्लू भाई कौन है, सलमान खान। सलमान खान के देखा आपने क्या बॉडी बना के रखी है, तो जो बॉडी बिल्डर होगा बंदा कैसा होगा, हेल्दी होगा, तो कॉमन सी बात है। तो सल्लू भाई कैसा है, बहुत ही हेल्दी पर्सन है, सालुबुरी है, सल्लू भाई बहुत ही हेल्दी पर्सन है। यही तरीका, इस तरीके से मैंने ढेर सारे साइनमेंटो वीडियो अपलोड कर दिए, आप उसे भी देख लीजिए। प्लीज आप वीडियो को, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, इससे ना आपको पैसा खर्चा होगा और ना ही हमें पैसा मिलना है। बस जितने ज्यादा लाइक्स और कमेंट आएंगे हमें और ज्यादा एनर्जी मिलेगा, और आप चाहते हैं कि हम वीडियो को कंटिन्यू बनाते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो पुल में कहानी समझिए, हम यहां बताना क्या चाह रहे हैं कि पुल मतलब इन, इन मतलब में, या फिर इन से इन, यानी इन पुलो। देखिए पुल इन मतलब टू रीच अ प्लेस, जैसे ये जो पुल है तो इन पुलों पर ही चलकर अगर आप जाओगे, जैसे देखिए रास्ता, जैसे आप यहां इमेजिन करो कि गंगा नदी में जो रास्ता बना है ना, गंगा नदी में, जैसे ये जो मेरा हावड़ा, कौन सा ब्रिज, चलिए हावड़ा ब्रिज को ही ले लेते हैं, या फिर गांधी सेतु पुल को लेते हैं, ठीक है। ये जो गांधी सेतु पुल है जिसमें पटना टू किसको जोड़ा गया है, पटना से लेकर कहां तक है भाई, छपरा तक नहीं, कहां बोलते उसको, गंगा के उस पार जी, मुजफ्फरपुर, समझ गए होंगे। तो पुल इन, ठीक है, तो पुल इन, तो इन पुल पर ही चढ़कर जाइएगा तो आप किसी स्थान पर पहुंच जाइएगा। जैसे जो हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज तो आप देखे होंगे, ठीक है, तो इस हावड़ा ब्रिज पर ही अगर आप चल कर जाओगे तो इस स्थान से निकल इस स्थान पर पहुंच जाइएगा, यानी इन पुल पर, इन पुल को यूज कीजिएगा, या इन पुलों पर चलकर जाइएगा तो ही किसी स्थान पर आप पहुंच पाइएगा, यानी टू रीच अ प्लेस। जैसे कहने का मतलब, आप यहां एक इमेजिन करो ना इस तरीके से कि ये आपका पटना, ये आपका पटना, और ये आपका, यहाँ आपका कौन सा है, आप फतुआ ले लो,
फतवा नहीं यार, क्या आंसर है? मुजफ्फरपुर। अब यहाँ बीच में तालाब है, गांधी सेतु पुल के बीच में तालाब है, अगर आप तालाब से होकर जाओगे तो पहुंच पाओगे नहीं, रास्ते में डूब के मर जाओगे। तो यहाँ पे क्या लगा है, ब्रिज लगी है। आप इन ब्रिज पुल से होकर के, ब्रिज मतलब इन पुल, ये पुल लगा हुआ, इन पुल से होकर के जाइएगा तो मुजफ्फरपुर पहुंच जाइएगा। तो इन पुलों पर से जाइएगा तो किसी स्थान पर आप पहुंच जाइएगा। तो क्लियर दोस्तों, तो इस तरीके से वोकैबुलरी को याद रखिएगा। इन पुल पर से चढ़ के जाइएगा तो टू रीच अ प्लेस, यानी किसी स्थान पर आप पहुंच जाइएगा। डन। नेक्स्ट हम आते हैं पुल ऑफ। देखिए पुल का मतलब मैंने क्या बताया, पुल, और ऑफ मतलब अभी मैंने क्या बताया था, बंद करना। ठीक है, पुल ऑफ मतलब बंद करना, यानी इसको कैसे याद रखेंगे, पुल ऑफ का मतलब क्या था, सक्सीड या फिर सफल होना। अब आप देखो यार इसको कैसे याद रखेंगे, तो जो मेरा पुल है, जैसे बहुत बड़ी बारिश हो रही थी, बहुत जबरदस्त तूफान और बारिश आ रहा था, ठीक है, तो हम पुल को क्या किए, बंद कर दिए। तो बंद कर दिए तो हम सफल हो गए, क्योंकि अगर हम पुल को बंद नहीं करते और इतनी जोर से बारिश हो रही है, तो बारिश आती है सबको डुबा देता, सबको तहस नहस करता, सबको बर्बाद कर देता, क्योंकि जाने का जो रास्ता था वही था। तो हमने क्या किया कि पुल को बंद कर दिया, ताकि इधर से लोग इधर ना आए और डूब के ना मरे तो बच जाए। तो पुल को मैंने ऑफ कर दिया तो हम लोग क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए। क्लियर। तो दो बार तीन बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगी। दोस्तों इसको बनाने में ना बहुत ही मेहनत लगी है, बहुत ही ज्यादा, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से आपके एग्जामिनेशन तक याद रहे, वरना आप ऐसे याद करोगे ना गारंटी आप भूल जाओगे। नेक्स्ट देखते हैं पुल थ्रू। थ्रू को मैंने, पुल से आप क्या याद रखिएगा, पुल, और थ्रू को मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, थ्रू आउट से याद रखना है। थ्रू आउट का मतलब क्या, अंदर से लेकर बाहर तक, यानी इस तरफ से लेकर उस तरफ तक। चलिए, तो पास विद डिफिकल्टीज, यानी समस्याओं के साथ सफल होना। तब पुल को देखिए, जैसे आप थोड़ा इमेजिन करो, आपने फिल्म देखी होगी कूली, अमिताभ बच्चन की कूली, आपने फिल्म देखी है। उस फिल्म में क्या होता है ना कि जो शुरू का सीन होता है उसमें अमिताभ बच्चन का मामा उससे मिलने के लिए आता है, ठीक है, अपने फैमिली से, अमिताभ बच्चन के डैड से मिलने के लिए आता है। तो बहुत बारिश होती है, बहुत जम करके बारिश होती है, और जो वो टमटम से जाता हुआ रहता है, अगर आप थोड़ा याद करो ना फिल्म कूली का, उस फिल्म का सीन जिसमें वो अमिताभ बच्चन का मामा वो ब्रिज से होकर के जाता रहता है, वो टमटम पे जाता रहता है, तो क्या होता है कि बारिश इतनी तेज होती है कि वो पुल बीच में से ही टूट जाता है, जिसकी वजह से उनको पार होने में दिक्कत होती है, पर फिर भी वो पुल के सहारे वो पास कर जाते हैं, यानी अंततः वो सफल हो गए, सक्सेस हो गए, ठीक है, क्योंकि एक टूटा ही सही हो ब्रिज, पर अगर आप उस ब्रिज पर से चढ़ के गए तो सक्सेस हो गए, यानी आप उस अपनी मंजिल तक पहुंच गए। अगर वो ब्रिज ही नहीं होता तो आप तो इम्पॉसिबल था कि चढ़ कर जाते। आप कुछ भी फिल्म लो ना, कोई भी फिल्म का सीन, ब्रिज का मतलब क्या, एक पतली सी रस्सी, जैसे माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ना ही है आपको, एक माउंटेन एवरेस्ट, एक पर्वत से दूसरे पर्वत पे जाना, तो कैसे एक रस्सी लगा देते हैं, तो एक ब्रिज का काम करता है। तो इधर से लेकर कैसे भी हो, हम उस पुल पर से चढ़ करके गए तो हम अंततः सफल हो गए, यानी कहने का मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो पुल थ्रू मतलब, थ्रू आउट का मतलब एकदम अंदर से लेकर के बाहर तक, यानी इन से लेके आउट तक, यानी इस ब्रिज के इस पॉइंट से लेकर के, यानी इस ब्रिज के इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हमने इस पुल के से होकर गया। थ्रू आउट मतलब इधर से लेकर उधर तक इस पुल के सहारे में गया, और अंततः समस्याओं के साथ में सफल हो गया, यानी कितनी भी मुश्किलें आई, बहुत सारी परेशानियां हुई, क्योंकि कैसे को रस्सी पे, कोई फिल्म में देखते होंगे आप, तो फिल्म में देखते होंगे आप कोई फिल्म, तो देखते होंगे कि एक इधर लकड़ी का लगा हुआ, एक लकड़ी का लगा, बीच में एक रस्सी होता और इस पर एक आदमी ना चढ़ करके जाता है, ठीक है, इस पर एक आदमी चढ़ करके जाता है, और बहुत ही मुश्किल भरी परिस्थितियों के साथ वो थ्रू आउट, मतलब थ्रू आउट का मतलब इस तरफ से लेकर उस तरफ तक पहुंच जाता है, कितनी मुश्किल से वो जाता है, और हाथ में एक डंडा लिए रहता है, उस डंडा को पकड़ करके जाता है, तो वो जो कर्तव्य दिखाता है कितना मुश्किल से गुजरता है, पर वो यहां से लेकर के यहां तक पहुंच जाता है बंदा। तो भाई मुश्किल परिस्थितियों के साथ भी बंदा सफल हो गया, यानी थ्रू आउट मतलब इधर से लेकर उधर तक। आई होप सो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, यहां पर
चलिए तो हम नेक्स्ट वर्ड आते हैं पुल अप। देखिए पुल अप, पुल मतलब पुल और अप मतलब, अप मतलब देखिए इसका मतलब क्या बोला, दो देख लीजिए, टू स्टॉप और स्कॉल्ड। देखिए पुल को मैंने क्या कर दिया, अप। अप का मतलब तो आपको पता ही होगा ऊपर। आप फिल्म की कहानी को फिर से याद करने की कोशिश कीजिए, वह पुल मतलब जिसमें एक ब्रिज होता है इस तरह से, ठीक है, और हम ब्रिज को क्या करते हैं, जो फॉरेन कंट्री का ब्रिज होता है, हम उसको इस तरीके से ब्रिज को क्या किए, अप कर दिए, उठा दिए। तो आप सोचो क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दोस्तों टू स्टॉप और स्कॉल्ड, तो भाई ब्रिज जब ऐसे था और हम उसको धीरे धीरे करके उठा दिए, उसको इस तरीके से अप कर दिए ब्रिज, पुल को क्या कर दिया, हम अप कर दिए। अब हम अप कर दिए तो उधर से कोई बंदा जो आ रहा था वो अब जा पाएगा नहीं, तो वो रुक गया वहीं पे, स्टॉप हो गया, रोक दिए। आज हम किसी को रोक दिए तो खूब डांटेगा उसको, जैसे वो चोर था, समझिए चोर है। फिल्म डॉन मूवी में भी ऐसा ही हुआ है कि ब्रिज ऐसे था, वो शाहरुख खान इधर से जा रहा था तो क्या हुआ कि बीच में से पुल को ऐसे उठा दिया गया, तब वो पकड़ा गया, रुक गया तो स्टॉप हो गया। अब स्टॉप हो गया तो उसको खूब डांट पड़ी, मतलब उसको पुलिस पकड़ के ले गया, जेल में डाल दिया। तो पुल अप का मतलब तो आई होप सब क्लियर हो गया कि पुल को क्या कह दिए, पुल ऐसा था बीच में से हम तोड़ दिए, तोड़े नहीं वो ज्वाइंट होता है ब्रिज, और इसको क्या किया, हम ऐसे उठा दिए, ठीक है, ब्रिज इस तरह से उठ गया। तो शाहरुख खान यहां से जा रहा था, एसआरके मेरा यहाँ गया, अब देखा तो अब तो जा ही नहीं सकते हैं, तो क्या कि यहीं पे रुक गया, इधर पुलिस थी, अब पुलिस इसको पकड़ लिया तो रुक गया भी, और उसको डांट भी पड़ी, डांट मतलब क्या, स्कॉल्डिंग, ठीक है, चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम पुल डाउन। देखिये पुल डाउन को कैसे याद रखेंगे, देखिए डॉन आ गया वापस, डॉन तो भाई डॉन को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, अब पुल मतलब पुल, पुल तो समझ रहे ना, पुल मतलब ब्रिज, पुल ब्रिज, ब्रिज समझ रहे हो ना आप, याद रखना ब्रिज को, पुल को पुल से, तो हिंदी वाला पुल। तो भाई डॉन क्या करेगा, पुल को क्या करेगा, बम लगा के उड़ा देगा, विस्फोट कर देगा, वो तो यही करता है ना, डॉन का काम ही क्या होता है आखिर में, वो विस्फोट करा देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, डेमोलिश कर देना, ध्वस्त कर देना, यानी पुल डॉन क्या किया, पुल डॉन को कैसे याद रखोगे, डॉन ने पुल को डेमोलिश कर दिया, ध्वस्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डन, क्योंकि वो डॉन है, भारत का तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो है नहीं कि ढेर सारा पुल का निर्माण करेगा, उसका तो काम ही क्या, डॉन का काम है क्या कि पुल को डिस्ट्रॉय कर देना, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं पुल टुगेदर। तो भाई पुल को पुल से याद रखिए, और टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ, साथ, जरा मतलब पढ़ लिया जाए क्या है इसका मतलब, वर्क टुगेदर इन हार्मोनी, साथ साथ मिलकर काम करना। तो भाई पुल का निर्माण सब साथ साथ मिलकर करेंगे, पुल टुगेदर, पुल का निर्माण सब साथ साथ मिलकर करेंगे। देखिए दोस्तों आप ग्रेजुएट हो तो आप ये मत कोशिश करना कि भाई ये बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, 6 साल का टीचिंग का मेरा एक्सपीरियंस है, 1-2 साल नहीं 6 साल। तो अगर आप खुद बनाने जाओगे तो आपको बहुत मेहनत लगेगी, इतना टाइम बर्बाद मत कीजिए, जॉब लीजिए, ठीक है, और क्या, पुट असाइड कीजिए, पुट बाय कीजिए, पुट असाइड मतलब मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले लास्ट वाली वीडियो में कि भविष्य के लिए अपने इनकम का एक हिस्सा बचा के रखिए, पुट बाय मतलब अपने भाई के लिए अपना एक हिस्सा इनकम का बचा के रखिए, ये सब पढ़िए, मेहनत कीजिए, अगर लाइफ में कुछ करना है तो कुछ करके दिखाइए, और कुछ ऐसा कीजिए ना कि सब देख करके ना आपके यहाँ सबको जले लगे, सबको जल जल के ना जल के फूट जाए, कुछ ऐसा करके दिखाइए। तो पुल मतलब पुल टुगेदर, पुल टुगेदर का मतलब क्या हुआ, पुल मतलब पुल, टुगेदर मतलब साथ साथ, यानी पुल को जब बनाया जाए तो सब लोग साथ साथ मिलकर के ही बनाते हैं, पुल अकेले नहीं बनता है, पुल का निर्माण करने में हजारों लोगों लोग लगते हैं, हजारों दिन घंटे, हजारों दिन
कई साल काम करना पड़ता है तब एक पुल का निर्माण होता है, यानी पुल का निर्माण, पुल टुगेदर मानी पुल का निर्माण सब साथ साथ मिलकर करते हैं, वर्क टुगेदर इन हारमोनी मतलब साथ मिलकर के काम करना। देखिए दोस्तों इस तरीके से याद कीजिएगा ना तो आपके एग्जाम में तक आपको याद रहेगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हर स्टूडेंट को ये फंसता है क्लोज टेस्ट, सिर्फ क्लोज टेस्ट ही नहीं, मैंने बताया ना आपको पी क्यू आर एस है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, कॉमन एरर है, आइटम फ्रेज है, कंप्रिहेंशन है, इंप्रूवमेंट है, वर्ड फिलअप है, कोई भी सेक्शन इंग्लिश का बिना इसके तो फ्रेजल वर्ब के हो ही नहीं सकता। तो जो बंदा जो बोलता ना कि मेरा एग्जाम इतना मेरा अच्छा इंग्लिश है यार मेरा कम नंबर आया, कम आने का रीजन है हा? आपको फ्रेजल वर्ब नहीं आता, आप कितना रट रट के ना परेशान हो जाते होगे तो भी नहीं रट आता होगा। तो मेहनत कीजिए ठीक है, और आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं अगर मेरा पसंद आता वीडियो तो ठीक है। ये मेरा एसटीसी क्लास, अगर आपको पसंद आता तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कीजिए, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। ये मेरा डेमो क्लास है दोस्तों, मैं यूट्यूब पे पैसा कमाने के पर्पज से नहीं आया ठीक है, जो मैं बात है मैं आपको खुल के बता देता हूँ। तो पुल टुगेदर तो अभी क्लियर हो गया कि पुल का निर्माण सब साथ साथ मिल करके करते हैं, क्योंकि पुल का निर्माण अकेले नहीं किया जाता। और नेक्स्ट वर्ड क्या है, पुल फॉर, तो देखिए पुल मतलब पुल, फॉर मतलब के लिए, पुल मतलब पुल, फॉर मतलब के लिए, यानी पुल के लिए सपोर्ट समर्थन करना। इसको कैसे याद रखेंगे पुल फॉर को, तो भाई पुल के लिए यानी पुल बनाने के लिए, पुल बनाने के लिए हम सभी लोग समर्थन करते सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले में मतलब हमारे स्टेट में हमारे डिस्ट्रिक्ट में पुल का निर्माण होना हो जाना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, आवागमन में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं, तो हम लोगों को पुल के निर्माण करने के लिए हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यानी पुल फॉर मतलब पुल के लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए कि नीतीश सरकार या मोदी सरकार को ढेर सारा पुल का निर्माण करना चाहिए। तो आज हम अपनी वर्ब फ्रेजल वर्ब हम आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है, अब इसके पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी दोस्तों, अपने दोस्तों को बताइए, और प्लीज आप इसे व्हाट्सएप पे क्या शेयर करते हो भाई, चुटकुला है, कॉमेडी है, डांस है, यही सब शेयर करते हो ना, हंसी मजाक वाला, कुछ पढ़ने लिखने वाला भी शेयर क्या करो ठीक है, जिससे आपके दोस्त को जॉब लगे ठीक है, और आपको जॉब लगे, थोड़ा एजुकेशनल माहौल बनाइए ना, थोड़ा एजुकेशन से जुड़िए, क्योंकि देखते हो ना एक तो पटना सिटी का लड़का लोग को ऐसी भी जॉब नहीं हो रहा, सारा बंदा मतलब अगर 5000 वैकेंसी निकलता है तो 4000 वैकेंसी में 4000 कैंडिडेट तो सब दिल्ली का होता है, तो दिल्ली में ये सारा सिस्टम दिया जाता है कि वो एक घंटा पढ़ के बंदा याद कर लेता है, वही सिस्टम मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप मैथमेटिक्स का मेरा वीडियो देखो, ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो देखो, अलजेब्रा का वीडियो देखो, सब मैं ऐसे ऐसे मैंने ट्रिक दिया ना, तो ये सब सारा का सारा सिस्टम दिल्ली का है, पटना का नहीं है, क्योंकि पटना में तो डीजे तो कोई स्टार्ट ही नहीं किया पढ़ाना ठीक है। तो खैर मैंने आपका बहुत समय ले लिया, और आप इस तरह से मेरे वीडियो को पसंद कीजिए और वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दैट्स ऑल, तब तक के लिए थैंक यू।